साथियों, अस्सलामु अलैकुम, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और यकीन मानिए आज का जो वीडियो है ऐसा वीडियो जीएस ऑनलाइन पर भी कभी अपलोड नहीं हुआ है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। शोरा और उदबा के नाम, तखल्लुस, पैदाइश और वफात, ये सिलसिले वार चलेंगे। क्या सारे साथियों, ये जो है सिलसिले वार हम लोग देखेंगे, यानी तरतीब वार है। तो पहले साथियों हम लोग एक एक करके जो पहले जिनका नाम है उनके बाद धीरे धीरे एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है अबुल हसन। अबुल हसन किनका नाम है पता है? अमीर खुसरू का नाम आप लोगों ने सुना है ना, तो खुसरू का नाम है अबुल हसन। इनकी जो पैदाइश है 1253 ईस्वी में ईटा में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? ईटा में इनकी पैदाइश हुई थी और 1325 ईस्वी में दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है मुल्ला असदुल्ला। मुल्ला असदुल्ला किसका नाम है पता है? मुल्ला वजी का नाम है। किनका नाम है? मुल्ला वजी का नाम, असल नाम क्या है? मुल्ला असदुल्ला। इनकी जो पैदाइश है 1566 ईस्वी औरंगाबाद यानी गोलकंडा में, और मुल्ला असदुल्ला की जो वफात है साथियों वो क्या है, 1500 के बाद यहां पे 1600 होगा, 1659 ईस्वी में। क्या? 1659 ईस्वी में हैदराबाद में, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आगे है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है ना साथियों, इनका जो तखल्लुस है वो सौदा है। 1712 ईस्वी दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। और इनकी जो वफात है वो 1781 लखनऊ में इनकी वफात हुई थी, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। अगर मैं बात करूं उसके बाद साथियों तो मीर तकी मीर, भाई साहब शाजिया अहमद, पहले ही बता दिया हूं कि इसमें दबिस्तान है, इसमें कॉलेज है, इसमें बहुत सारी चीज है। पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले दिक्कत करेंगे आप, हमें पता है। पहले तो आप पढ़ेंगे नहीं, टाइम दीजिएगा तब तो, एक मिनट में कैसे हो जाएगा। चलिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा हो गया, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर जो है साथियों ये अपना तखल्लुस क्या करते थे? मीर। इनकी जो पैदाइश है 1722 ईस्वी में कहां हुई थी? अकबराबाद में। कहां साथियों? मीर तकी मीर, अरे मीर तकी मीर नजीर नहीं, मीर तकी मीर के बारे में कहा जा रहा। और 1810 ईस्वी में साथियों लखनऊ में मीर तकी मीर की क्या हुई थी? वफात हुई थी। उसके बाद अबारी आती है 1722 के बाद 1732, तो मीर अमन देहलवी। क्या? मीर अमन देहलवी साथियों, क्या? मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी जो है इनका तखल्लुस था लुत्फ। 1732 में इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, और मीर अमन देहलवी की जो वफात है वो 1808 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों 1732 के बाद बारी आती है 1737 की, तो मीर गुलाम हसन जो के साथियों तखल्लुस क्या करते थे? मीर हसन, वही सहरुल बयान वाले। 1737 में इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, और साथियों इनकी जो वफात है वो 1786 ईस्वी में लखनऊ में मीर गुलाम हसन की हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है वली मोहम्मद, याद रखिएगा बहुत बेहतरीन है जी, वली मोहम्मद। वली मोहम्मद जो है ना, वली मोहम्मद ये नजीर अकबराबादी का साथियों असल नाम है। तो नजीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद। 1740 दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और वली मोहम्मद की जो वफात है वो 1830 ईस्वी में आगरा में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं क्या, इंशाउल्लाह खान इंशा, इंशाउल्लाह खान इंशा, तो इनकी साथियों इनका जो तखल्लुस है वो है इंशा। 1752 में मुर्शिदाबाद में इनकी पैदाइश हुई है, और 1817 में इंशाउल्लाह खान इंशा की वफात जो है वो साथियों लखनऊ में हुई है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे है साथियों 1752 के बाद जो है ना डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे 1786 में, तो रजब अली बेग सुरूर। क्या? रजब अली बेग सुरूर, तो इनका तखल्लुस था सुरूर। 1786 में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी रजब अली बेग सुरूर की, और रजब अली बेग सुरूर की जो वफात है वो 1869 ईस्वी में बनारस में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है इब्राहिम जौक।
अरे जिन्हें अकबर शाह सानी के दरबार से खाकानी हिंद का खिताब मिला था। इब्राहिम जौक, इनकी साथ जो तखल्लुस था जौक, और इनकी जो पैदाइश है 1786 के बाद 1789 दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी इब्राहिम जौक की, और ये हमेशा दिल्ली में ही रह गए थे, और 1854 में साथियों इनकी वफात भी दिल्ली में ही हुई है। ठीक है, उसके बाद साथियों बारी आती है मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, तो असद इनका तखल्लुस था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस असद से गालिब कर लिया। 1797 में इनकी पैदाइश आगरा में हुई थी, और मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की जो वफात है वो 1869 ईस्वी में दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद साथियों आपका है मोमिन खान मोमिन, मोहम्मद मोमिन खान, जिनका तखल्लुस था मोमिन, और 1800 ईस्वी में इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी मोमिन खान मोमिन की, और इनकी जो वफात है वो 1852 में दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। मोमिन खान मोमिन को शतरंज खेलने का बहुत शौक था, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे है मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस, इनका तखल्लुस था अनीस, और 1802 ईस्वी में फैजाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? मीर बब्बर अली अनीस की, और 1874 में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों है मिर्जा सलामत अली दबीर। क्या? मिर्जा सलामत अली दबीर, दबीर इनका तखल्लुस था, 1803 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1875 में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। याद रखिएगा ये दोनों जो है ना हम असर थे, कौन? अनीस और दबीर, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। उसके बाद आगे है क्या, दिया शंकर नसीम। दिया शंकर नसीम, इनका तखल्लुस था नसीम, और इनकी जो पैदाइश है वो 1811 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। और अगर मैं बात करूं दिया शंकर नसीम की वफात के बारे में, तो 1845 लखनऊ में ही इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है किनकी, तो जब हम लोग 1811 आ गए, तो अब हम लोग चलेंगे 1817। 1817 में किसकी पैदाइश हुई है? सर सैयद अहमद खान की। ये अपना तखल्लुस क्या करते थे? माही, और इनकी पैदाइश 1817 दिल्ली में, और सर सैयद अहमद खान की वफात साथियों 1898 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान की वफात हुई थी। क्लियर। उसके बाद साथियों आपका है मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक है जी, मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद जो है इनकी साथियों ये अपना तखल्लुस क्या करते थे? आजाद। 1830 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और मोहम्मद हुसैन आजाद की जो वफात है वो साथियों लाहौर में 1910 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे साथियों आपका है डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद जो है इनकी पैदाइश 1830 ईस्वी बिजनौर में हुई थी, और 1913 ईस्वी दिल्ली में डिप्टी नजीर अहमद की क्या हुई साथियों? वफात हुई थी, याद रखिएगा, दिल्ली में। और डिप्टी नजीर अहमद जो है 1836, दो मैंने आपको बताया था साथियों, क्या दो मैंने आपको बताया था ना कि डिप्टी नजीर अहमद के बारे में किसी का मानना है 1830, किसी का मानना है 1836। तो और साथियों कुछ ये 1830, ठीक है, डिप्टी नजीर अहमद जो है 1836 बिजनौर में, और 1910 दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। किसकी? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, तो ये तखल्लुस क्या करते थे? हाली। पैदाइश 1837 पानीपत में, और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की जो है 1914 पानीपत करनाल में वफात हुई थी। अब 1837 के बाद हम लोग आ जाएंगे 1846, तो 1846 जो है शाद अजीमाबादी की पैदाइश हुई थी। कब? शाद अजीमाबादी की साथियों, जिसका असल नाम है अली मोहम्मद। क्या नाम है? अली मोहम्मद। 1846 में इनकी पैदाइश हुई है अजीमाबाद में, शाद अजीमाबादी की। और उसके बाद साथियों आगे है 1927 में पटना में इसकी वफात हुई थी। अजीमाबाद का ही पुराना नाम पटना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो बिहार में पड़ता है। उसके बाद आपका है सैयद अकबर हुसैन, ये साथियों नाम है अकबर इलाहाबादी का। किनका नाम है? अकबर इलाहाबादी का। अकबर इलाहाबादी की भी पैदाइश 1846 ईस्वी में
इलाहाबाद में हुई थी। और अकबर इलाहाबादी की जो वफात है साथियों वो 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद साथियों बात आती है किसकी, तो पंडित रतननाथ सरसार की। किसकी साथियों? पंडित रतननाथ सरसार की, ठीक है ना। पंडित रतननाथ सरसार, पंडित रतननाथ सरसार का तखल्लुस था सरसार, और 1847 लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी रतननाथ सरसार की, और इनकी जो वफात है वो 1902 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। किनकी? रतननाथ सरसार की। उसके बाद साथियों 1847 हम लोग आ गए हैं, तो आप 1849 में चलेंगे। इमदाद इमाम असर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इमदाद इमाम असर, इमदाद इमाम असर साथियों, इमाम असर इनका तखल्लुस था, 1849 पटना में इनकी पैदाइश हुई है, और इमदाद इमाम असर की जो वफात है वो 1934 ईस्वी में हुई है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 1849 के बाद हम लोग चलेंगे 1857 में, तो अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश साथियों, जिनका के तखल्लुस था शिबली 1857 आजमगढ़ में, और अल्लामा शिबली नौमानी की जो वफात है साथियों वो 1914 आजमगढ़ में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों 1857 के बाद हम लोग चलेंगे 1858 में, तो मिर्जा हादी रुस्वा, रुस्वा जो तखल्लुस क्या करते थे 1858 में उनकी पैदाइश लखनऊ में, और मिर्जा हादी रुस्वा की जो वफात है वो 1931 हैदराबाद में। कब साथियों? 1931 हैदराबाद में मिर्जा हादी रुस्वा की वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है अब्दुल हलीम शरर, क्या अब्दुल हलीम शरर, जो कि तारीखी नावल इन्होंने लिखा है, तो अब्दुल हलीम शरर जी, अब्दुल हलीम शरर, शरर इनका तखल्लुस था, और 1860 लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी अब्दुल हलीम शरर की, और इनकी जो वफात है वो 1926 में साथियों, क्या जी, जी 1926 में इनकी वफात हुई थी लखनऊ में। उसके बाद साथियों बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की बारी आती है, मौलवी अब्दुल हक, अब्दुल हक इनका साथियों क्या था, तखल्लुस था 1870, 1860 के बाद कहां गए, 1870 हापुड़ में इनकी पैदाइश हुई थी मौलवी अब्दुल हक की, और इनकी जो वफात है ये 1961 में कराची में इनकी वफात हुई थी। किनकी? मौलवी अब्दुल हक की। उसके बाद साथियों बारी आती है किनकी, तो मोहम्मद इकबाल की। किनकी? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल में इनसे अल्लामा इकबाल, ठीक है ना, इकबाल इनका तखल्लुस था, और 1877 ईस्वी सियालकोट पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1938 ईस्वी लाहौर में साथियों इनकी वफात हुई थी। किनकी? अल्लामा इकबाल की। अब देखिए 1877 आ गए ना, इसमें दो जोड़िएगा तो 1879 आ जाएगा, तो आगा हश्र कश्मीरी, जो कि अपना तखल्लुस आगा हश्र कश्मीरी ही क्या करते थे, 1879 बनारस में इनकी पैदाइश हुई थी, और आगा हश्र कश्मीरी की जो है 1935 लाहौर में इनकी वफात हुई थी। 1879 में ही साथियों क्या नाम आता है, फानी बिदायूनी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फानी बिदायूनी का असल नाम क्या है, आमतौर पे पूछा जाता है कि फानी बिदायूनी का असल नाम क्या है, तो फानी बिदायूनी का असल नाम है शौकत अली खान। क्या नाम है? शौकत अली खान फानी बिदायूनी का असल नाम है। 1879 बिदायूं शहर में इनकी पैदाइश हुई थी, और फानी बिदायूनी की जो वफात है वो 1941 हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद साथियों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1879 के बाद 1880 में चलेंगे, तो 1880 में मुंशी प्रेमचंद, जिनका के असल नाम है धमपत राय प्रेमचंद के नाम से ये मशहूर हुए, 1880 बनारस में इनकी पैदाइश हुई, और 1936 बनारस में ही इनकी क्या हुई थी, वफात हुई थी। क्लियर। उसके बाद साथियों आगे जब हम लोग चलते हैं तो आगे हमारा क्या है, ये महमूद शीरानी, महमूद शीरानी, तो महमूद शीरानी जो है 1880 में ही इनकी भी पैदाइश हुई है, टोनक राजस्थान में पड़ता है वहां पर, और 1947 में महमूद शीरानी की वफात टोनक राजस्थान में ही हुई थी। अब 1880 में है जो साथियों सज्जाद हैदर यलदरम, क्या सज्जाद हैदर यलदरम की पैदाइश भी 1880 बिजनौर में हुई थी, और सज्जाद हैदर यलदरम की जो वफात है वो 1943
लखनऊ में हुई थी। उसके बाद साथियों 1880 में ही हसरत मोहानी, जिनका के असल नाम है फजलुल हसन, क्या नाम है फजलुल हसन, क्या साथियों जी फजलुल हसन, तो फजलुल हसन इनकी भी पैदाइश 1880 में मोहान शहर में हुई थी। 1951 में फरंगी महली में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों हम लोग बात करते हैं पंडित ब्रिज नारायण। ब्रिज नारायण ये अपना तखल्लुस क्या करते थे, चकबस्त, और 1882 में इनकी पैदाइश फैजाबाद में हुई थी। और पंडित ब्रिज नारायण की जो वफात है 1926 में बरेली में हुई थी। कहां हुई थी साथियों, 1926 में बरेली में हुई थी। उसके बाद आगे है साथियों 1882 के बाद हम लोग चलेंगे 1885 में, तो फरहतुल्ला बेग, ये वही फरहतुल्ला बेग हैं जिन्होंने उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी लिखा था। तो ये फरहतुल्ला बेग साथियों इनकी जो पैदाइश है वो 1885 में दिल्ली में हुई थी। किनकी, फरहतुल्ला बेग की। फरहतुल्ला बेग की जो वफात है वो 1947 में हैदराबाद में हुई थी। क्लियर। उसके बाद साथियों 1885 के बाद हम लोग चलेंगे कहां पर, इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी पहले ही आना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बीच में आ गया है। इस्माइल मेरठी 1844 में इनकी पैदाइश मेरठ शहर में हुई थी। और इस्माइल मेरठी की जो वफात है वो 1917 में मेरठ में हुई थी। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, इस्माइल मेरठी के बाद जो है आपका आता है 1884 सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है ना, सैयद सुलेमान नदवी, इनकी पैदाइश 1884 पटना में हुई थी। और सैयद सुलेमान नदवी की जो वफात है वो 1953 कराची में हुई थी। कहां हुई थी, कराची में हुई थी। उसके बारे साथियों बात आती है मिर्जा वाजिद हुसैन यास। अरे यगाना, ये चंगेजी का नाम आप लोगों ने पूछा सुना है ना, यगाना चंगेजी, जिसको के गालिब शिकन भी कहा जाता है। गालिब शिकन, गालिब शिकन साथियों इनका असल नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन यार। इनकी भी पैदाइश जो है 1884 पटना में हुई थी। और मिर्जा वाजिद हुसैन यास की जो वफात है वो साथियों 1956 में कहां हुई थी, लखनऊ में हुई थी। क्लियर। अब उसके बाद आगे चलते हैं 1885 के बाद, अब हम लोग चलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम जो है महीउद्दीन अहमद था। क्या नाम था, महीउद्दीन। प्यार से इनके अब्बा जो है साथियों इनको फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे। क्या नाम कहके, फिरोज बख्त, फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे अबुल कलाम आजाद। इनकी जो पैदाइश है 1888 11 नवंबर 1888 साथियों मक्का मुअज्जमा में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी जो वफात है 1958 दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद की क्या हुई थी, वफात हुई थी। उसके बाद साथियों 1958 के बाद चलते हैं जिगर मुरादाबादी। अरे जिगर मुरादाबादी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जिगर मुरादाबादी का असल नाम था अली सिकंदर मुरादाबादी। क्या नाम था, अली सिकंदर। कभी कभी आपको इसका ओरिजिनल नाम भी पूछ लिया जाता है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर मुरादाबादी। 1890 में जिगर मुरादाबादी की पैदाइश हुई थी साथियों मुरादाबाद में। और इनकी जो वफात है 1960 ईस्वी में गोंडा में इनकी वफात हुई थी, जिगर मुरादाबादी की। उसके बाद आगे है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी जो है साथियों इनकी पैदाइश 1894 में बलिया में हुई थी। और रशीद अहमद सिद्दीकी की जो वफात है वो 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय, ये साथियों फिराक गोरखपुरी का असल नाम है। इनकी जो पैदाइश है 1896 में गोरखपुर में। और फिराक गोरखपुरी की जो वफात है 1982 ईस्वी में दिल्ली में। मैंने आपको बताया ना इनके वफात के सिलसिले में कहीं आपको दिल्ली कहीं इलाहाबाद मिलेगा, तो यहां पर मैंने आपको साथियों दिल्ली कर दिया है। उसके बाद साथियों 1896 चूंकि हम लोग चल रहे हैं तो 1896 में ही जोश मलिहाबादी, जिनका के असल नाम है शब्बीर हसन खान। क्या नाम है, शब्बीर हसन खान। क्या नाम है साथियों, शब्बीर हसन खान, ठीक है, शब्बीर हसन खान। इनका साथियों तखल्लुस है जोश। 1896 में इनकी पैदाइश मलिहाबाद में हुई थी। और इनकी भी वफात जो है साथियों उसी दिन यानी के 1982 इस्लामाबाद में इनकी वफात हुई थी। क्लियर।
उसके बाद साथियों आगे चलते हैं, अब हमारा 1896 के बाद है इम्तियाज अली ताज। अरे ड्रामा अनारकली जिन्होंने लिखा था ना, उसका नाम है इम्तियाज अली ताज, और इनकी जो पैदाइश है वो सन 1900 ईस्वी लाहौर में इम्तियाज अली ताज की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। और इम्तियाज अली ताज की जो वफात है साथियों वो 1970 में लाहौर में ही हुई थी। उसके बाद साथियों मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी का नाम बहुत ज्यादा सुने हैं आप लोगों ने, कभी कभी पूछा जाता है मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, तो मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीकी, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अहमद सिद्दीकी, ठीक है ना जी, अहमद सिद्दीकी, क्या अहमद सिद्दीकी, ठीक है अहमद सिद्दीकी, अहमद सिद्दीकी साथियों मजनू गोरखपुरी का नाम है। 1904 में गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई थी मजनू गोरखपुरी की, और अगर मैं बात करूं तो 1988 में कराची में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है नून मीम राशिद, नून मीम राशिद, क्या साथियों नून मीम राशिद का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, नून मीम राशिद का असल नाम है नजरे मोहम्मद, और 1910 में पंजाब में नून मीम राशिद की पैदाइश हुई थी, और इनकी जो वफात है 1975 में लंदन में हुई थी, क्लियर। उसके बाद साथियों 1910 के बाद हम लोग चलेंगे 1911, तो 1911 जो है फैज अहमद फैज की पैदाइश, जो कि अब तक तखल्लुस फैज क्या करते थे, क्या साथियों फैज क्या करते थे, और 1911 सियालकोट में फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई थी। अगर मैं बात करूं फैज अहमद फैज की वफात के बारे में, तो फैज अहमद फैज की जो वफात है वो 1984 में हुई थी लाहौर में, क्लियर। उसके बाद साथियों हम लोग चलते हैं 1912 में, तो 1912 जो है ना तीन आदमी की पैदाइश 1912 में हुई थी, कौन कौन से, तो 1912 में हुई थी आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1912 में, 1912 में ही साथियों मीरा जी, अरे हल्का अरबाब जौक का नाम सुने हैं ना साथियों, उसके जो है ना उसमें आते हैं मीरा जी, और आपको पूछा जाता है कि मीरा जी का असल नाम क्या है, असल नाम क्या है, तो मीरा जी का असल नाम है सनाउल्ला मोहम्मद डार या फिर सनाउल्ला डार, ठीक है ना। मीरा जी की भी पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई है, और सादत हसन मंटू की भी पैदाइश कब हुई है, 1912 ईस्वी में, ये तीन शख्स जो है इनकी पैदाइश कब हुई है साथियों 1912 में। तो अब एक एक करके देखते हैं हम लोग, आल अहमद सुरूर इसकी पैदाइश 1912 ईस्वी, और आल अहमद सुरूर की जो वफात है साथियों वो हुई है 2002 में, कब हुई है साथियों 2002 में अलीगढ़ में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मीरा जी जिसको कि सनाउल्ला डार कहते हैं, इनकी पैदाइश भी 1912 पानीपत में, और 1949 ईस्वी में पानीपत में ही इनकी भी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों सादत हसन मंटू 1912 में पैदाइश हुई थी, और इनकी जो वफात है 1955 में पंजाब में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं आगे चलूं तो कृष्णचंद, देखिए कृष्णचंद जो है, कृष्णचंद जिसका कि अन्नदाता साथियों आप लोगों ने पढ़ा है ना जब खेत जागे, तो कृष्णचंद की जो पैदाइश है 1914, 12 के बाद कहां आ गए 14, 1914 पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1977 साथियों मुंबई में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद आपका है राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, अरे 1914 के बाद 1915 में हम लोग आएंगे, राजेंद्र सिंह बेदी जो कि बेदी तखल्लुस क्या करते थे 1915 में ही पैदा हुए, इस्मत चुगताई 1915 में पैदा हुई, अख्तरुल ईमान 1915 में, ये तीन शख्स ऐसे हैं जो के साथियों क्या 1915 में पैदा हुए। अगर मैं बात करूं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, तो इनकी जो पैदाइश है लाहौर में 1915 में हुई है, और 1984 में मुंबई में इनकी वफात हुई थी राजेंद्र सिंह बेदी की। अगर साथियों बात की जाए इस्मत चुगताई, तो 1915 में बदायूं शहर में पैदाइश हुई है, और 1991 में मुंबई में इनकी वफात हुई है। अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान की पैदाइश भी साथियों 1915 बिजनौर में, और 1996 मुंबई में इनकी वफात हुई है। उसके बाद साथियों बारी आती है मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी साथियों 1919 में इनकी पैदाइश हुई थी आजमगढ़ में, और 2000 ईस्वी में मुंबई में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है मसरूद हुसैन खान, क्या मसरूद हुसैन खान 1919 कायमगंज
फर्रुखाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और 2010 में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों बारी आती है कलीम आजीज, वो जो शायरी का सबब हुआ। कलीम आजीज साथियों, आजीज ये तखल्लुस क्या करते थे, और 1920 में नालंदा में इनकी पैदाइश हुई है, 2015 में पटना में इनकी वफात हुई है। उसके बाद साथियों बारी आती है अब्दुल हय, क्या अब्दुल हय, जो कि जिनका असल नाम है साहिर लुधियानवी, 1921 में इनकी पैदाइश हुई है लुधियाना में, और 1980 में मुंबई में इनकी वफात हुई है। उसके बाद साथियों आपका है नीलोफर, क्या नीलोफर, नीलोफर जो है साथियों, क्या नीलोफर कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम है, 1927 में अलीगढ़ में इनकी पैदाइश हुई है, 2007 में नोएडा में इनकी वफात हुई है। तो साथियों हमने कहां से चालू किया था, और टोटल 61 शोराए कराम का तरतीबवार आपको चीजें बताई गई है। याद रखिए ये नोट्स ऐसे हैं जो आप किताबों में खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इतने सिस्टमेटिक ढंग से तरतीब किया हुआ बहुत मुश्किल है साथियों। उसके बाद हम लोग चलते हैं अहम कॉलेज की तरफ। अहम कॉलेज कौन कौन से हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। अहम कॉलेज में साथियों सबसे पहले एक नंबर में आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है, तो कलकत्ता में है। कब कायम किया गया था इसको, तो सन 1800 ईस्वी में, और 1854 में साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। क्या 1854 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। इसके जो हिंदुस्तानी जबान के सदर थे डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन देहलवी ने बाग बहार किताब लिखी थी और गंज खूबी किताब लिखी थी। निहाल चंद लाहौरी ने साथियों मजहब इश्क नाम की किताब लिखी थी। क्या जी जी क्या है जी मजहब इश्क नाम की एक किताब लिखी थी। ये पूछा जाता है बार बार, ये मजहब इश्क जो है बाद में साथियों इसको क्या दिया शंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से लिखी थी, वही किताब है ये मजहब इश्क। उसके बाद मिर्जा अली लुत्फ ने साथियों तज़किरा गुलशन हिंद नामी एक किताब वहीं पर लिखी थी। कहां पर, फोर्ट विलियम कॉलेज ने। और ये सारी की सारी किताबें जो है साथियों किनके, तो सदर जो मदरिस थे डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, इसी की फरमाइश पर लिखा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों बारी आती है देहली कॉलेज। देहली कॉलेज साथियों 1825 में ये कायम हुआ था अजमेरी गेट के पास, और 1877 में ये हमेशा के लिए बंद हो गया। देहली कॉलेज का मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी जबान सिखाना, जबकि साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था जी अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना। ठीक है, उसके बाद साथियों है अंजुमन पंजाब लाहौर। अंजुमन पंजाब लाहौर यह 1865 में कायम हुआ और 1875 में इसका आखिरी मुशायरा हुआ था। उसके बाद साथियों बारी आती है तरक्की पसंद तहरीक। जी कुछ लोग चाहते हैं क्या ऑनलाइन इसी वक्त हमें 2 मिनट में याद आ जाए। अगर इतना ही आसान लड्डू होता तब तो दुनिया का सभी लोग याद कर लेते। ठीक है ना जी, अरे इसको याद करना पड़ता है, खपना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब याद होता है। इतना आसानी से अगर याद हो जाता तब तो फिर दुनिया के सभी लोग पढ़ के विद्वान ही बन जाते। ठीक है, चलिए तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद साथियों लंदन के नान किंग रेस्टोरेंट में पड़ी थी। कब पड़ी थी, 1935 में। सज्जाद जहीर इसके बानी थे। ठीक है, 1956 में तरक्की पसंद तहरीक जो है ये बंद हो गई थी। ये डेट भी आप याद रखिएगा। इसकी जो साथियों कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस 1936 लखनऊ में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद इसके सदर थे। ध्यान से पहले पीडीएफ को समझ लीजिए तभी याद हो पाएगा, वरना साथियों याद नहीं हो पाएगा आपको। अगर आप पीडीएफ को सही से नहीं समझते हैं आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1936 में, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखिए तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1936 लखनऊ में, इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था। दूसरी कॉन्फ्रेंस 1938 में कलकत्ता में, और इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने किया था। तीसरी कॉन्फ्रेंस 1942 में दिल्ली में साथियों अब्दुल अलीम ने इसकी क्या किया था साथियों, जे सदारत की थी। उसके बाद चौथी कॉन्फ्रेंस जो है 1946 में हैदराबाद में
हसरत मोहानी ने इसकी सदारत की थी। और पांचवी कॉन्फ्रेंस है जो है 1947 लखनऊ में रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसकी सदारत की थी। और जो छठी कॉन्फ्रेंस है साथियों उसकी जो कॉन्फ्रेंस है 1949 में हुई थी मुंबई में, राम बिलास जो कि एक मशहूर नक्काद हैं इन्होंने साथियों इसकी सदारत की थी। और सातवीं जो कॉन्फ्रेंस है वो 1952 में दिल्ली में हुई थी और कृष्ण चंद्र ने इसकी सदारत की थी। और उसके बाद आठवीं और आखिरी कॉन्फ्रेंस जो है 1956 में हैदराबाद में हुई थी। तो गोया के टोटल साथियों कितने कॉन्फ्रेंस हुए थे, 8 कॉन्फ्रेंस हुए थे। किसके, तरक्की पसंद तहरीक के, 1936 से चालू हुआ और 1956 में साथियों ये तरक्की पसंद तहरीक जो है ठंडे बस्ते में चला गया।